नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक मोडली चैनल पे। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया। तो आज हम मल्टीमीडिया के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो बिना देर किए अपने शुरू करते हैं। मल्टीमीडिया के कुछ 5 कंपोनेंट्स हैं जो कि बहुत ही मेन होते हैं, और वो है टेक्स्ट, ऑडियो, ग्राफिक, वीडियो और एनिमेशन। इसके अलावा भी कई सारे अदर फॉर्मेट्स हैं, पर उनको मैंने इंक्लूड नहीं करा है क्योंकि ये 5 चीज़ों में वो सारे फॉर्मेट आ जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो कंपोनेंट है वो है टेक्स्ट। तो बात करते हैं टेक्स्ट की। टेक्स्ट एक प्राइमरी कंपोनेंट होता है किसी भी मल्टीमीडिया का और मल्टीमीडिया फाइल्स का। और जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होते हैं वो टेक्स्ट की हेल्प से प्रेजेंट किए जाते हैं। हम टेक्स्ट को अलग अलग कलर्स में, अलग अलग फॉन्ट में, अलग अलग स्टाइल में एम्फसाइज कर सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, क्योंकि टेक्स्ट को भी हम काफ़ी सजा के एनिमेट करके लिखते हैं। और आपने ऐसा कई सारे एग्जांपल देखे होंगे, कई सारे ऐसे इमेजेस देखे होंगे जहाँ की टेक्स्ट काफ़ी सजा के लिखा गया होता है, जिसका फॉन्ट अलग होता है, कलर्स अलग होते हैं, स्टाइल्स अलग होते हैं। और अगर मैं एग्जांपल दूँ तो आप जब यूट्यूब ओपन करते हैं और उस पर जो वीडियोज़ होते हैं तो उसके जो थंबनेल होते हैं उसमें जो टेक्स्ट होता है वो एक एग्जांपल है मल्टीमीडिया का, क्योंकि उसमें जो टेक्स्ट होते हैं उनके फॉन्ट्स भी अलग होते हैं, कलर्स भी अलग होते हैं और स्टाइल्स भी अलग होते हैं। तो टेक्स्ट मल्टीमीडिया का एक कंपोनेंट है और बहुत ही प्राइमरी कंपोनेंट है जो हम डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं, जैसे इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, या फिर अपने रेगुलर लाइफ में ऑफलाइन में भी हम टेक्स्ट को यूज़ करते हैं कुछ लिखने के लिए। जैसे आप दिवाली के दिन कुछ खरीदते हो जिस पे वेलकम वगैरह लिखा गया होता है, ये सारी चीज़ें ऑफलाइन है, पर टेक्स्ट का फॉन्ट अलग होता है, साइज़ अलग होता है। कोई पोस्टर है उस पर टेक्स्ट का जो फॉन्ट होता है, स्टाइल होता है, कलर होता है, वो डिफरेंट होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ऑडियो। ऑडियो भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है मल्टीमीडिया का, क्योंकि आजकल जो मल्टीमीडिया है उसमें म्यूज़िक है, कोई स्पीच है या कोई अदर साउंड है, ये सारी चीज़ें मल्टीमीडिया में ही आती हैं और इसको ऑडियो फॉर्मेट में माना जाता है। तो अगर कोई म्यूज़िक है वो भी ऑडियो होता है, कोई स्पीच है वो भी ऑडियो होता है, या कोई अलग साउंड है वो भी एक मल्टीमीडिया होगा। और ये नॉर्मली एनिमेशन और इन सब के साथ कंबाइंड होता है, किसी PNG के साथ कंबाइंड होगा। जैसे आप YouTube पे जाते हो तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जहाँ पे आपको सिर्फ गाना सुनने को मिलता है और लिरिक्स मिलता है और एक ही पिक्चर आपके सामने घूम रही होती है, तो वहाँ ऑडियो इम्पोर्टेंट होता है। हो सकता है कि आप एनिमेशन के साथ ऑडियो को देखें, तो ऑडियो को आप कहीं भी कंबाइन कर सकते हैं, टेक्स्ट के साथ, इमेजेस के साथ, या कहीं भी, ठीक है। वीडियो के साथ तो ऑडियो होता ही है। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है वीडियो। वीडियो क्या होता है? एक इफेक्टिव मीडियम है किसी इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का, जिसमें बहुत सारे इमेजेस होते हैं और वो मूव कर रहे होते हैं, इसी को वीडियो बोलते हैं। साथ में अगर उसके ऑडियो है तो वो भी वीडियो कहा जाएगा। ये एक सिक्वेंस में धीरे धीरे पिक्चराइज किया जाता है, जिसके बहुत सारे फ्रेम होते हैं, वो पर सेकेंड होते हैं, जिसको आपने सुना होगा FPS, फ्रेम पर सेकेंड। तो ऐसे FPS यूज़ होते हैं वीडियोज़ में। उसका एक मैकेनिज्म है कि जब वीडियो ऑन होता है तो उसके कुछ फ्रेम्स हैं जो पर सेकेंड आते हैं और जाते हैं, और आपको वो दिखता है, जो विजुअलाइज होता है, जो इमेजेस, उसी को वीडियो कहते हैं। और मैं होप करता हूँ कि आपको ये बताने की मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि वीडियो क्या होता है, क्योंकि सारी चीज़ें आपने देखा है, आप यूज़ करते हैं, आप ऑडियो यूज़ करते हैं, टेक्स्ट यूज़ करते हैं, वीडियो यूज़ करते हैं, ग्राफिक्स यूज़ करते हैं, एनिमेशन यूज़ करते हैं, और ये सारी चीज़ें मल्टीमीडिया का एक पार्ट है। फिर भी मैं इसको थ्योरी के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है ग्राफिक्स। तो अब बात करते हैं कि ग्राफिक्स क्या है। ग्राफिक एक डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है किसी नॉन टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन का, जैसे ड्राइंग है, फोटोग्राफ्स है, इन सभी को हम ग्राफिक्स बोलते हैं। अगर किसी ड्राइंग का, किसी फोटोग्राफ्स का अगर डिजिटल रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें कई सारे नॉन टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तो उसको हम ग्राफिक्स बोलेंगे। और ग्राफिक्स जो मीडियम होता है वो टेक्स्ट मीडियम के साथ यूज़ किया जा सकता है। सिंपली आपने देखा होगा कि आजकल जो ग्राफिक्स यूज़ होते हैं वो टेक्स्ट के साथ भी यूज़ होते हैं। जैसे हमारा जो प्रेजेंटेशन चल रहा है इसमें भी आपने ग्राफिक्स को फील किया होगा। आजकल आपने बहुत सारे मूवीज़ देखे होंगे या फिर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहाँ ग्राफिक्स का तो भरपूर यूज़ होता है। और मुझे आपको बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि ग्राफिक्स होता क्या है, मैंने उसकी थियरी बता दी,
शायद ही आपके लिए काफी है। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है एनिमेशन। और एनिमेशन जो मीडियम है ये इमेजेस के सीक्वेंस को प्रेजेंट करता है, एक आर्ट वर्क में कन्वर्ट करता है और उसका एक रैपिड स्पीड होता है, जैसे कि आपको पता चले कि हाँ इमेजेस मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो एनिमेशन जिन्होंने भी पढ़ा होगा या फिर जिनको भी एनिमेशन का थोड़ा सा भी नॉलेज होगा उनको पता है कि उसमें इमेजेस मूव करते हैं, ठीक है। उसमें कोई विजुअलाइज वीडियोस रिकॉर्ड नहीं होता है, उसमें इमेजेस मूव करते हैं। उसका अगर हाथ भी उठता है तो वहाँ इमेजेस को मूव कराया जाता है, वो इस फॉर्म में कराया जाता है कि आपको ऐसा लगे कि उसका हाथ उठ रहा है, ठीक है, किसी भी कैरेक्टर का। तो यही था मल्टीमीडिया का कंपोनेंट। होप कि आप सभी को पता होगा कि ऑडियो क्या होता है, टेक्स्ट क्या होता है, ग्राफिक्स क्या होता है, वीडियो क्या होता है और एनिमेशन क्या होता है। पर चूंकि कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया हमारा एक टॉपिक था तो हमने उसको क्लियर किया। ये हमारा अपना ओपिनियन था, अपना डेफिनेशन था। हो सकता है कि आपका डेफिनेशन अलग हो लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। किसी को ज़्यादा डीप में पता होगा, किसी को लाइट पता होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट सबका सेम ही है, चाहे वो एनिमेशन हो, ग्राफिक्स हो, वीडियो हो, ऑडियो हो, टेक्स्ट हो। तो ये हम पढ़े कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया में। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।